हर वक्त बंदा दुखी बेचैन, हर वक्त जिंदगी तोड़ रही है। दौलत के अंबार होने के बावजूद पूरी नहीं पड़ रही। कसरत है लेकिन बरकत नहीं है। हर नेमत नसीब है लेकिन नेमत से तलज्जुज नसीब नहीं है। तो वो एक अजीब इस्तराब की जिंदगी, बेचैनी की जिंदगी, दुख भरी जिंदगी, मुसीबत में घिरी हुई जिंदगी, मसाइब आलाम के अंदर फंसी हुई जिंदगी, एक मुसीबत ज़दा जिंदगी का तसव्वुर। तो अब ऐसी जिंदगी के असबाब क्या हैं? उलमा ने इसके पांच असबाब बयान किए हैं। अगर हम में से किसी के पास उन असबाब में से एक भी हो तो उसको फिलफौर दूर करना चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता किसी के अंदर वो पांचों सबब पाए जाएं तो उसको तो बाहर सूरत एक नई जिंदगी का, खूबसूरत जिंदगी का, एक पुरसुकून जिंदगी का आगाज करने के लिए उन चीजों को तर्क करना चाहिए। पहली चीज जो बदबख्ती और बेकैफ जिंदगी का सबब जरिया है वो है तर्कुस्सलात, नमाज का तर्क करना। जो शख्स तार्क नमाज है वो जिंदगी का तलज्जुज कभी भी हासिल नहीं कर पाता। आप तो माशाल्लाह नमाजी हैं, जुमातुल मुबारक की हाजिरी भी नसीब होती है। कभी ऐसा हो कि आप लंबे सफर से आए हों और इतने थके हों, सुबह को जागना आई हो और नमाज फजर रह गई हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा कभी हुआ हो तो कैसा बेचैनी में दिन गुजरता है। आप कहते हैं कोई खोई खोई चीज है। इस तरह दिन भर के सफर से आए हों, थके हों, इशा की नमाज पढ़े बगैर आप लेट गए तो हर आधे घंटे के बाद आपकी आंख खुल रही होती है, चैन की नींद नहीं आ रही होती, तो फिर आप कहते हैं अच्छा मैं पहले नमाज पढ़ लूं, और जब नमाज पढ़ लेते हैं तो फिर चैन की नींद आ जाती है। हालांकि आप तो सो गए लेकिन वो किस चीज ने आपको उठा दी और फिर आप उठ के बैठ गए। तो आपने नमाज ना पढ़ी हो और वो भी आप थकन से चूर हैं तो आपको चैन की नींद नहीं आ रही। तो जब चैन की नींद नसीब नहीं है नमाज के बगैर तो चैन की जिंदगी नसीब कैसे होगी। और वो शख्स जो पांचों नमाजें तर्क करने का आदि हो चुका है, उसको परवाह भी नहीं है इसकी, तो वो कह तो रहा है कि मुझे परवाह नहीं है लेकिन अंदर से उसको कुछ चीज जरूर काटती है। उसका एहसास इतना मर चुका है कि उसको यह समझ नहीं आ रही कि मेरी बेचैनी के असबाब क्या हैं। नमाजी को तो पता है कि आज सारा दिन बेचैन इसलिए गुजरा कि मैं फजर की नमाज नहीं अदा कर पाया, रात बार बार मैं इसलिए उठ रहा हूं कि मुझे इशा की नमाज पढ़नी है, और ये शऊर भी छीन लिया गया जिससे। वो तो कहता है कि आज डिप्रेशन है, आज फला मसला है, आज मेरा को ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो गया, रात को उठ के को गोली लेता है और जो है वो बार बार ब्लड प्रेशर चेक करता है क्या वजह है कि नींद नहीं आ रही। तो उसके नींद ना आने का सबब तो कुछ और है लेकिन वो कुछ और समझ रहा है, और दवाई किसी और चीज की खा रहा है और मर्ज उसका कोई और है। तो ये बदबख्ती होती है कि कोई शख्स तारके नमाज हो। तो पांच गाना नमाज ये शियारे जिंदगी बन जाए तो इंसान की शकावत सआदत में बदल जाती है और वो बदबख्ती से खुशबख्ती की जानब आज़मे सफर हो जाता है। ये एक काफिर था, वो कहते हैं बड़ा जोरावर था, तो वो ये गाय की खाल बिछा करके उसके ऊपर खड़ा हो जाता और लोगों कहता कि इसको अगर हिम्मत है तो मेरे नीचे से खींच के दिखाओ, मैंने दबा दिया इसको। वो हमारे यहाँ होता ना, ये मेरा बाजू पकड़ो और छुड़ा के दिखाओ, या मैं बाजू पकड़ता हूँ तो छुड़ा के दिखाओ। तो जमाने में वो खाल बिछाता और उसके ऊपर खड़ा हो जाता और कहता कि खींचो, 10-10 आदमी उस खाल को खींचते लेकिन वो खाल खींची ना जाती। उन लोगों के जोर से खाल टूटती रहती हत्ता कि जो उसके पांव तले दबी हुई जगह थी वो रह जाती, बाकी लोग तोड़ देते, इतना जोरावर था। तो ये उसकी कहानी है लेकिन ये बताई गई है सब लोगों की जिसको इक्तदार मिले, जोर मिले, जर मिले और कोई मनसब मिल जाए तो फिर कहता है बस हम चूमा दीगरे नेस्त, हमारे जैसा कोई जमाने में है ही नहीं। उसने कहा जमाने में बंदे दो ही हैं, एक तू और एक मैं। उसने कहा अगर सही छानना लगाएं तो मैं ही मैं हूं, तू भी नहीं है। तो बंदा कहता है मेरे पर किसी का बस नहीं चल सकता। जब इक्तदार पास होता है, जब दौलत पास होती है, जब छाती में जोर होता है, जब कबीला खानदान पुश्त पे खड़ा होता है तो फिर इंसान यही कहता है कि नहीं नहीं मेरा कौन मुकाबला कर। ये एक इंसानी तबा है भी कमज़ोर
लेकिन थोड़ी सी हवा बदो ये कैसा गुब्बारा है, फौरन फूल भी जाता है। लेकिन कोई मामूली सी सुई चुभ जाए तो सारी हवा भी निकल जाती है, और अगर तेज़ी से कोई चीज़ हो तो पटाखा भी लगता है। तो ये गुब्बारा फूल जाता है थोड़ी सी हवा से, तकब्बुर की हवा से, दौलत की हवा से, इक्तदार के नशे में ये फूल के कितना बड़ा हो जाता है। अय्या सब अल्लई यक दरा अलह आहद, कहता है मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरे अंदर इतनी हवा है, मेरे ऊपर किसी का बस कैसे चल सकता है। यकूलो कहता है अह लक तो माल अल्लुबादा, मैंने ढेरों माल फना कर दिया। जब वो माल नमाइश में खर्च करता है तो फिर उसकी तस्वीरें भी जारी करता है, फिर लोगों को बताता भी है, देखो मैंने ये घर का गेट लगाया तो किसके कितने पैसे लग गए, शादी पे मैंने इतने की आतिशबाजी कर दी। पहले तो कहता है मेरा कोई बगाड़ नहीं सकता, मैं ताकतवर हूँ, मैं बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवा सकता हूँ, कोई मुझे तकलीफ नहीं पहुँचा सकता, मेरे असर रसूख बहुत सारे हैं, कचहरियाँ मैं खरीद लेता हूँ, थाने मैं खरीद लेता हूँ, कैसे हो सकता है, मैं ताकतवर हूँ, मेरा असर रसूख बहुत है। फिर कहता है मैंने फलां मामले में इतना माल लगा दिया, इतना माल फलां लगा दिया। वो अपने माल के फजूल खर्च पर लोगों से दाद ले रहा होता है। अल्लाह अकबर। अय्या सब अल्लम यारहू अहद, ये उसकी सारी बात बयान करने के बाद अब ये देखिए, अय्या सब वो गमान करता है, वो भूल गया है, फरामोश कर गया है इस बात को, अल्लम यारहू अहद, क्या उसको किसी ने नहीं देखा, ये अलल्ले तलल्ले फजूल खर्चियाँ, ये माल को यूं उड़ाना और नमाइश करना, मैंने देखा है ये मज़हब वाले लोगों में भी है कि आप जामिया के लिए फ़ंड मांगें तो आपको नहीं देंगे, और एक बेअमल नाथा होगा तो उसके ऊपर ऐसे पैसे फेंक रहे होंगे, क्योंकि यहाँ तो चुपके से आपने दाखिल होकर पैसे दिए, रसीद ली और चले गए, लेकिन वहाँ तो वीडियो भी बन रही है। तो वहाँ फिर इंसान ऐसे उड़ाता है खुश दिली के साथ, वो खुश दिली रूहानी तस्की की नहीं होती, वो नफ्स की तस्की होती, हज़े रूह नहीं होता, हज़े नफ्स होता है। अगर इस्लाम की रूह और कुरान का मुताला हमारी ज़िंदगी में आ जाए और कुरान जो बताता है वो हम समझ जाएं, तो ज़िंदगी नूर नला नूर हो जाए, हम फिर अल्लाह की मखलूक के लिए नरम दिल हो जाएं। कल अब जिस तरह बाप बेटों के लिए होता है, इस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए हमारी शफकत होनी चाहिए। फरमाए ये एक दीवार की तरह है। इस्लाम की तारीफ क्या की गई है, मुसलमान वो है कि जो रात को 100 नफल पढ़ता है, मुसलमान वो है जो दिन को इतने पारे ख़त्म करता है, नहीं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। तो क्या हमारे हाथ से, हमारी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं? आज हम दूसरों पर कीचड़ उछालना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, आज का सोशल मीडिया भरा हुआ है दूसरों के अयूब को उछालने के लिए, आज मिंबर व मेहराब से भी मुझे माफ़ करना जिस तरह के दरस और सबक दिए जा रहे हैं, सच्ची बात है कि वो रसूलुल्लाह का दिया हुआ दीन नहीं है। कुरान हमें बताता है तुम ऐसे बन जाओ कि तुम्हारा वजूद नाफे हो, जिधर से गुजरते जाओ खुशबू फैलती चली जाए, तुम्हारे अनफास की महक से उजाले हों, तुम फार्मी चूजे नहीं हो कि हर वक्त अपने ही आराम की तलाश में रहो, तुम लोगों को राहत पहुँचाने के लिए हर वक्त मुस्ताद और फ़ाल रहो।